हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल ए टू रेल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक यह है कि हमेशा इंडियन रेलवे में 24 आवर का टाइम फॉर्मेट ही क्यों यूज़ में लिया जाता है। हालांकि इस 24 आवर फॉर्मेट के कई सारे फायदे हैं, वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। जब रेल को अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था, तो उस समय वह स्थानीय समय सारणी का ही उपयोग करते थे और उस समय रेल नेटवर्क भी बहुत छोटा हुआ करता था। और जब धीरे धीरे रेल पर जब समय के साथ रेल नेटवर्क बढ़ा, तो ये AM/PM वाला फॉर्मेट लोगों के बीच काफ़ी समस्याएं पैदा करने लगा। जैसे कि लोग उस समय काफ़ी भ्रमित रहा करते थे कि कब जाना है, कब आना है। लोग ट्रेनों के टाइम को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में रहने लगे। तो इस समस्या का हल निकाला गया। उस समय मिलिट्री में 24 आवर टाइम फॉर्मेट का ही उपयोग किया जा रहा था। तो उस समय यह निर्णय लिया गया कि अब से इंडियन रेलवेज में भी यही टाइम फॉर्मेट का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार लोगों को भ्रमित होने से बचाने के लिए इंडियन रेलवेज ने 24 आवर टाइम फॉर्मेट को अपनाया। जैसे कि 5 AM और 5 PM कहने से ज़्यादा अच्छा 5 और 17 बोलने में है। हालांकि इससे रेलवे को थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ है, जिसमें उन्हें हर जगह AM और PM लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो स्क्रीन हो, डिजिटल स्क्रीन, या फिर चाहे टिकट हो। और टिकट में AM और PM ना प्रिंट होने के कारण थोड़ी बहुत इंक भी बच जाती है, और उस थोड़े से इंक बचने से रेलवे को थोड़े बहुत पैसे की भी बचत हो जाती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारतीय रेल में 24 घंटे के समय सारणी का उपयोग क्यों किया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।